यमद्वितीय यानी कि भाई दूज का पर्व। ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह ये त्योहार भी भाई और बहन को समर्पित है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और उनके लंबी उम्र और सफल जीवन के लिए प्रार्थना करती है। वही बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार भेंट करते हैं। भाई दूज त्योहार के साथ कई कहानियां जुड़ी है। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण दानव नरकासुर को मारने के बाद अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे। सुभद्रा ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया और कृष्ण के माथे पर तिलक लगाकर उस दिन को विशेष बना दिया था। वहीं दूसरी कथा के अनुसार कहानी यम मृत्यु के देवता और उनकी बहन यमुना के बारे में है। ऐसा कहा जाता है कि यम द्वितीय तिथि पर अपनी प्रिय बहन से मिले थे, जो कि अमावस्या के बाद का दूसरा दिन है, और इसलिए इस दिन को देश भर में यम द्वितीय के रूप में मनाया जाता है। यमराज ने अपनी बहन यमुना से वादा किया था कि इस दिन को जो भी भाई अपनी बहन से तिलक लगवाएंगे, बहन के घर जाकर भोजन करेंगे, उन्हें स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होगी। वही पश्चिम बंगाल में इसे भाई फोटा के पर्व के नाम से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में बहनें इस दिन व्रत रखती है और भाई को तिलक लगाने व भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन ग्रहण करती है। इस दिन भाई बहनों को उपहार भेंट करते हैं। वही महाराष्ट्र और गोवा में भाई दूज को भाव बीज के नाम से जाना जाता है। बहनें भाई को तिलक लगाती है और भाई दूज मनाती है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो भाई दूज मनाने की परंपरा वहां कुछ अलग ढंग की है। उत्तर प्रदेश में बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर आब और शक्कर के बताशे देती है। कुछ बहनें अपने भाई को आब और सूखा नारियल भी देते हैं, जबकि बिहार में इस दिन भाई को बहनें गालियां देती है और उन्हें डांटती है, फिर उनसे माफी मांगती है और उसके बाद उन्हें तिलक लगाकर मिठाई खिलाती है। वही भारत की तरह नेपाल में भी भाई दूज धूमधाम से मनाया जाता है। इसे भाई टीका और भाई तिहार के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि नेपाल में बहनें अपने भाई के सर पर 7 अलग अलग रंग के टीके लगाती हैं और 3 प्रकार के फूलों की मालाएं पहनाई जाती है। फिर यमराज से अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। हर क्षेत्र में भाई दूज मनाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सभी जगहों पर भाई और बहनों के बीच का प्यार अलग ही झलकता है। नेशन वन की तरफ से आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट।